Dear students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Shaukat Ahmed Khan teaching you sociology in class 11th at BHSS Haril. Dear students, my today's topic is social group, its concept and types of social group. Dear students, before discussing this topic, let me ask you a simple question. Suppose you wish to jump from the first or second floor of your house. What if you talk about it to your parents? What would be their answer? Definitely no. But when you are talking about the same thing with your friends, They'd rather be quite happy to jump to with you dear students the thing is you are a different person in different groups the group could be a family a friends group business group etc thus the same person could be a member of all the groups do you want to understand how these groups are different and even how they are similar then dear students we need to understand what social groups are and why they matter both to the people who are part of them and who aren't then dear students a social group is a collection of people who have something in common and who believe that they have common

फिर उन्हें यकीन हो कि जो भी उनके बीच कामन है वो उनके लिए ज़रूरी है और वो ये भी महसूस करते हों कि हम हाँ हम इस ग्रुप के मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल देयर स्टूडेंट्स अगर आप अपने घर में हो तो आपकी फैमिली ये एक ग्रुप है तो आपके आपके जहन में ये बात हमेशा होती है कि हम इस ग्रुप के यानी इस फैमिली के ग्रुप के एक मेंबर है और अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बराबर उसमें हिस्सेदार होते हो अगर फैमिली में किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होता है यानी आपको भी तकलीफ़ होती है इसी तरह से अगर आप किसी फ्रेंड्स के ग्रुप में मतलब आप, आप, आपका अपना फ्रेंड सर्कल है फिर किसी फ्रेंड को यानी किसी दोस्त की कोई प्रॉब्लम है तो आपको आप भी उसके उस प्रॉब्लम में शरीक रहते हो तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से इस तरह के ग्रुप्स जो हों में ये वी फीलिंग हो यानी जिसमें आप कहते हो कि हम हैं तो उस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप कहते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स एक दूसरी ग्रुप भी होते हैं वी शुड नाट मिसअरस्टैंड सोशल ग्रुप विद दैट ग्रुप उस ग्रुप को हम एग्रीगेट कहते हैं डेयर स्टूडेंट्स एग्रीगेट्स उस ग्रुप को कहते हैं जिसमें कई इंडिविजुअल्स या कई लोग एक दूसरे के साथ मिलें या एक दूसरे के साथ किसी वक्त जमा हो जाए या एक किसी जगह पे जमा हो जाए तो लेकिन उनमें ये फीलिंग ना हो कि हम एक हैं सो एग्रीगेट्स इट इज़ अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल पीपुल वेटिंग ऐट द रेलवे स्टेशन जब किसी रेलवे स्टेशन पे लोग जमा होते हैं उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं वहाँ पे भी ग्रुप होता है लेकिन उनको पता होता है कि हम यहाँ पे इस वक्त एक दूसरे के साथ तो हैं लेकिन उनका एक दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं होता है इस तरह से अगर आप बस स्टॉप पे वेट कर रहे होते होंगे तो उस वक्त भी वो ग्रुप होता है या किसी बस में बस के अंदर बैठे हुए हैं तब भी आप ग्रुप हो ग्रुप में बैठे हुए होते हो लेकिन उसको हम सोशल ग्रुप नहीं कह सकते हैं इसलिए क्योंकि जब आप अपने स्टेशन पर पहुँचते हो तो अपने अपने घर की तरफ़ रवाना होते हो तो एक दूसरे के साथ आप कोई मत एक दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं होता है तो उस ग्रुप को हम एग्रीगेट कहते हैं या कभी कभार हम एटीएम की लाइन में बैठे हुए होते हैं अपनी टर्न का इंतज़ार कर रहे होते हैं तो अपनी टर्न आती है पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं अपने रास्ते पर तो उस ग्रुप को हम सोशल ग्रुप नहीं कह सकते हैं बल्कि उस ग्रुप को हम एग्रीगेट एग्रीगेट कहते हैं तो चूंकि हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप की तो सोशल ग्रुप में मैंने आप लोगों को भी बताया कि सोशल ग्रुप में इन जो उसके मेंबर्स होते हैं उनमें एक वही फीलिंग होती है यानी कि उस ग्रुप को हम उस समझते हैं कि नहीं ये हम हैं तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट सोशोलॉजिट है डिफाइनड इट डिफरेंटली बट देर अगर हम ये कहें कि उनका मतलब एक ही है कि सोशल ग्रुप वो कुछ लोगों का एक मतलब जब कई लोग जमा होते हैं या लोग, कई लोगों के कई लोगों से मिलकर एक ग्रुप बनता है तो जिसमें उनके सो, एक सोशल रिलेशनशिप उनके बीच में होती है तो उसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं आप लोग ये डेफिनीशन्स पढ़ लेना और अपने नोटबुक पे नोट कर लेना अब डेयर स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स क्योंकि आप इस टॉपिक पे कंफ्यूज मत होना <coughs> वो इसलिए जो डिफरेंट है हैं सोशलॉजिस्ट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीकों से इस सोशल ग्रुप के टाइप्स बताए मतलब किसी ने किसी ने कहा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने आपके स्क्रीन पे है सी एच कोहली उसने इस सोशल ग्रुप को डिफ़ाइन किया है ऑन द बेस ऑफ कॉन्टेक्ट तो उस हिसाब से उसके मुताबिक सोशल ग्रुप के दो टाइप्स हैं वो हैं वन इज़ प्राइमरी ग्रुप एंड अदर इज़ सेकेंडरी ग्रुप बट वहीं पे अगर हम डब्ल्यू जी सर की बात करें तो उसने इस सोशल ग्रुप को डिफ़ाइन किया है ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो उसने अपनी तरफ अपनी तरह से इसके दो डिफरेंट ग्रुप्स बताए हैं उसके मुताबिक सोशल ग्रुप के ये दो टाइपस uh, हैं एक है इन ग्रुप और दूसरा आउट ग्रुप इस तरह से अगर ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशनस कहें उस हिसाब से इसके ये इस तरह के टाइप्स हैं फॉर एग्जांपल फॉर्मल ग्रुप है एंड इनफॉर्मल ग्रुप तो अगर रेफरेंस के बुनियाद पे हम बात करें तो सोशल ग्रुप के टाइप्स हैं नॉर्मेटिव एंड कंपेरेटू ग्रुप मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे यहाँ पे ये एक ही बात नहीं है कि इसके इतने इतने टाइप्स से प्राइमरी ग्रुप है सेकेंडरी ग्रुप इन ग्रुप आउट ग्रुप नहीं बल्कि डिफरेंट सोशलाइज ने इसको अपने हिसाब से इसके टाइप्स बताए हैं लेकिन हम जो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इन्हीं को डिस्कस करते हैं तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो ये सी एच कोले हैं उनके उनके मुताबिक उन ऑन द बेस ऑफ कंटैक्ट उसने जो कहा है कि इसके दो ग्रुप्स हैं सॉरी दो टाइप से वो है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप डेयर स्टूडेंट्स प्राइमरी ग्रुप हम उस ग्रुप को कहते हैं चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सोशल ग्रुप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना कि एग्रीगेट्स के बारे में तो उस सोशल ग्रुप के जो सेच कोली के मुताबिक उसका प्राइमरी ग्रुप है और सेकेंडरी ग्रुप है तो उसके हिसाब से प्राइमरी ग्रुप में ये ग्रुप्स आते हैं फॉर एग्जांपल फैमिली है फ्रेंड्स है नबरहुड्स है एट्सट्रा उसके हिसाब से जो ये ग्रुप होते हैं इसमें जो मेंबर्स होते हैं दे ऑलवेज़ क्लोज़ रिलेशनशिप उनकी पर्सनल रिलेशनशिप होती है और डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है मतलब कि जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनको वो एक दूसरे के साथ बने हुए होते हैं या उन एक दूसरे के ज़्यादा बहुत ज़्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के एक दूसरे के साथ उनका फ़ेस टू फेस कंटेक्ट होता है फ्रिक्वेंट रिलेशनशिप्स होती हैं तो देयर इज़ ऑलवेज़ वी फीलिंग वो लोग उसमें जो इस ग्रुप में पढ़ते हैं यानी फैमिली होती है या फ्रेंड्स होते हैं होते से थे, वो हमेशा यही कहते हैं कि ये हम हैं वो कहते हैं कि वी आर अ फैमिली वी वी या वी आर फैमिली या वी आर फ्रेंड्स उनमें वी फीलिंग होती है कि हम जिसमें हम कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं तो दूसरा टाइप है इसका सेकेंडरी ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप के हिसाब से यानी ये भी सोशल ग्रुप्स हैं क्लासमेट्स हैं क्लास में हम होते हैं तो जो पर वहाँ पर क्लास होते हैं उनका भी ग्रुप होता है वो भी सोशल ग्रुप है न कि एग्रीगेट्स तो इसी तरह से टीम मेट्स होते हैं किसी टीम में हम काम कर रहे होते हैं तो उसमें वो ग्रुप वो भी एक सोशल ग्रुप है इसी तरह से एम्प्लॉज़ होते हैं फॉर तो एग्ज़ाम्पल तो हम टीचर्स हैं हम भी वहाँ पे एक दूसरे के साथ बने हुए होते हैं लेकिन उस तरह के कंटेक्ट्स नहीं होते सी एच कोली के मुताबिक जिस तरह प्राइमरी ग्रुप में है तो ये सेकेंडरी ग्रुप है इट इज़ इट इज़ सेकेंडरी टू द प्राइमरी यानी प्राइमरी ग्रुप में ज़्यादा कंटैक्ट होता है इसमें ज़्यादा कंटैक्ट नहीं होता लेकिन वही फीलिंग यहाँ पे भी होती है तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हो कि जो ये सेकेंडरी ग्रुप होता है सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है कि ये जो ये ग्रुप से इनमें चूँकि पर्सनल या डायरेक्ट या क्लोज रिलेशनशिप नहीं होती है मगर उनकी जो रिलेशनज़ होती हैं वो हमेशा बेस होती है यानी दे आर ऑलवेज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट तो जो ये रिलेशनशिप्स होती हैं तो हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ये सेकेंडरी ग्रुप के ग्रुप के लोगों की रिलेशनशिप होती है उनका वो इस बुनियाद पे उनका कोई खास मकसद होता है या कोई ख़ास गोल होता है जिसको अचीव करना होता है तो यही इन इसमें वो एक दूसरे के साथ हम हो के काम करते हैं इस तरह से ये आप समझ सकते हो कि प्राइमरी ग्रुप सी एच कोहली के मुताबिक उसने जो डिफ़ाइन किया है कि इसके जो, जो दो टाइप्स हैं वो किस तरह से है या उसने किस तरह से इनको डिफाइन किया है इसके बाद है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप आप जानते हो मैंने भी अभी भी कहा कि ये डब्ल्यू जी समर के मुताबिक उसने इनको एम, इस सोशल ग्रुप को डिफ़ाइन किया ऑन द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो उसने कहा कि उसके हिसाब से सोच, इस सोशल ग्रुप के ये दो टाइप्स हैं यानी इन ग्रुप है और आउट ग्रुप है इन ग्रुप में वो कहते हैं कि जो फैमिली होती है ट्राइब होते हैं या सपोर्ट ग्रुप होते हैं टीम मेट्स होते हैं रिलीजस ग्रुप्स होते हैं जियोग्राफिकल एवं जियोग्राफिकल कम्यूनिटी होती है ये सारी चीज़ें किस में आती हैं उसके हिसाब से किस में आती है इन ग्रुप में आती है यानी जिस आप इसको इस तरह से समझ सकते हो जो ये जो ये इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन मतलब दिखाते हैं या जो इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं जो इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है उनमें एक वही फीलिंग होती है उनमें वही फीलिंग होती है मसलन आप, आप कहोगे कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोशालजी या वी आर मुस्लिमस या आप कहोगे वी आर स्टूडेंट्स वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास या वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल या हम कहते हैं कि वी आर द टीचर्स ऑफ दिस स्कूल तो इस तरह से इस तरह की फीलिंग जिनमें होती है उनको हम इन ग्रुप्स कहते हैं और इसके बाद है आउट ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरों की फैमिली जो जिनको हम कहते हैं फैमिली, जिसमें मतलब उसी को हम आउट ग्रुप कहते हैं उसके मुताबिक मतलब इस समर uh, uh, के मुताबिक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि अगर आप सोशालजी के स्टूडेंट्स हो तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को आप क्या कहोगे कि दिस इज़ आउट ग्रुप फॉर यू पीपल आप कहोगे दे आर अदर स्टूडेंट्स या दे आर स्टूडेंट्स ऑफ दैट सब्जेक्ट सो दे आर अदर स्टूडेंट्स उस मैं समझा रहा हूँ कि सोशल के सोशालजी के स्टूडेंट्स के ये कभी कह सकते हैं कि हम सोशालॉजी के स्टूडेंट्स हैं और वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं यानी उनमें मतलब आपको दे आर अदर स्टूडेंट्स तो दूसरी बात है आप ये आप ये कह सकते हो कि हम मुस्लिम्स हैं वे आर मुस्लिम्स बट दे आर क्रिश्चन तो जो ये दे है इट मीनस अदर्स वे आर स्टूडेंट्स एंड दे आर टीचर्स यानी जब आप कहोगे कि ये हम हैं वो वो है जब वो की बात आई या अदर की बात आई तो इसको हम कहते हैं कि इट इज़ एन आउट ग्रुप इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स ऑन द बेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हम सोशल ग्रुप को फिर से दो टाइपस में बाँट देते हैं तो उसमें एक ग्रुप आता है फॉर्मल ग्रुप और दूसरा आता है इनफॉर्मल ग्रुप फॉर्मल ग्रुप होता है डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आप पहले समझ लो एग्जांपल एग्जांपल के एग्जांपल से यानी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कोई बैंक हो कोई हॉस्पिटल हो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो एट्सट्रा तो इन ग्रुप्स में इस तरह के ग्रुप्स में आप समझ लो इनमें क्या होता है इनमें कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशनज़ होते हैं जिन जिन रूल्स और रेगुलेशन के बुनियाद पर हम इस ग्रुप में जॉइन कर सकते हैं फॉर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को ज्वाइन करना हो तो उसके जो अपने रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो फिर फिर उसमें काम कर सकते हो और कभी अगर आप उस ग्रुप को छोड़ना चाहते हो तो उसके भी अपने रूल्स होते हैं तो इन रूल्स को फॉलो करके जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को फार्मल कहा जाता है अब उसके बाद है इनफॉर्मल ग्रुप इस इनफॉर्मल ग्रुप के भी कुछ रूल्स होते हैं इस ग्रुप को ज्वाइन करने में या इसको अगर छोड़ना हो इस ग्रुप को फॉर एग्जांपल कहीं पर प्ले ग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं आप भी जा सब, आप भी जाओगे या दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स आए वो भी आए वो भी खेलें लेकिन कुछ रूल्स के मुताबिक फिर वो अगर जाना चाहें इसको छोड़ना चाहें इस गेम को छोड़ना चाहें वो जा सकते हैं आप उनको रोक नहीं सकते हो तो वो इस तरह का जो ग्रुप हो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंट्रास्ट में लें फॉर एग्जांपल फॉर्मल ग्रुप जो होता है फार्मल ग्रुप में अगर बैंक में कोई काम कर रहा होता है तो उसको कुछ रूल्स के मुताबिक कुछ ए, मतलब इन कवानीन के हिसाब से उसमें वो जा सकता है फिर अगर वो उसी तरह से काम करे तो उसको वहाँ पर बैठने दिया जाएगा अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उसको वहाँ पर किक आउट किया जाएगा तो इस तरह से कुछ रूल्स के रूल्स को फॉलो करके दूसरी दूसरी तरफ अगर हम इन फार्मल ग्रुप की बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो तो कोई भी आ सकता है या अभी दूसरे लोग भी वहाँ पे खेल रहे होंगे तो आप जाओगे आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो फिर खेल सकते हो फिर जब मर्ज़ी आपके आए आप ग्रुप को छोड़ सकते हो कि मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक वहाँ पे भी रूल्स होते हैं लेकिन वो पहले से ही बने हुए रूल्स होते हैं तो उन्हीं के मुताबिक आप ज्वाइन कर सकते हो जिस तरह से आप इस एग्ज़ाम्पल को इस तरह से समझ सकते हो कि अगर वहाँ पर क्रिकेट की गेम चल रही हो तो आपको वेट करना होता है पहले या पहले आपको फील्डिंग करनी होती है उसके बाद आप, आप फील्डिंग के बाद जब आपकी टर्न आएगी तब आप खेल सकते हो तो ये प्रिस्क्राइबड रूल्स हैं लेकिन अगर आप बीच में खेल को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो इसी तरह से मतलब किसी क्लब में जा गया किसी एसोसिएशन में अगर आप हिस्सा लेना चाह लेते हो तो फिर जब आपकी मर्जी होती है आप उस ग्रुप को छोड़ सकते हो इस उस तरह के ग्रुप को हम क्या कहते हैं इनफॉर्मल उसके बाद डेयर स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस रेफरेंस ग्रुप हम डियर स्टूडेंट्स उन ग्रुप्स को कहते हैं ये सोसाइटी में ही एक ग्रुप होता है जो इन्फ्लुएंस करता है यानी जिनका हम पे असर होता है मतलब उनके ओपिनियंस के हिसाब से उनके बिलीफ्स या हम कहें कि हमारी ओपिनियंस पे उनका असर पड़ता है हमारी बिलीफ्स पे हमारे एटीट्यूड पे हमारे बिहेवियर पे उनका असर होता है तो हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि वो ये ग्रुप हमारे लिए इंस्पायरेशन के तौर पर भी काम करता है अगर हम आ, कहीं पे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहीं पे किसी तरह का काम कर रहे होते हैं या हमें आ, मैं ये कहूँ कि अगर आप लोग अलिवेंथ में पढ़ते हो अगर आप लोग आ, अगर आप किसी ट्वेल्थ के स्टूडेंट स्टार्ट स्टूडेंट को या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या, या उस ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखोगे फिर आप उससे खुद पे असर लेते हो कि इसने ये अच्छी तरह से पढ़ाई करता है या इसने अच्छी तरह से पढ़ाई अच्छे नंबर हासिल किए तो आप भी उसी तरह से काम करना शुरू करोगे तो उस टाइप के ग्रुप को हम रेफरेंस ग्रुप कहते हैं तो रेफरेंस के हिसाब से इस, इस सोशल ग्रुप के दो टाइप्स हैं अगेन तो फर्स्ट वन इज़ नॉर्मेटिव ग्रुप एंड सेकंड इज़ कंपैरेटिव ग्रुप नॉर्मेटिव ग्रुप वो ग्रुप होता है जो हमारे Uh, मतलब जो हमारे एटीट्यूड्स को हमारे वैल्यूज़ को हमारे नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हम ये कि एग्जांपल इस तरह से हो सकती है पेरेंट्स uh, होते हैं वो हमारे करेक्टर को uh, निखारते हैं करेक्टर को ठीक करते हैं इस तरह से हमारे सिब्लिंग्स जो होती हैं टीचर्स होते हैं पेरस होते हैं एसोसिएट्स एंड फ्रेंड्स होते हैं वो हमारे जहन को या हमारे कामों को काम पे हम असर करते हैं कि हमें यह काम किस तरह से करने हो तो दूसरा होता है कंपरेटिव ग्रुप कंपरेटिव ग्रुप वो ग्रुप होता है जिनको मतलब हम कहेंगे इट्स ए ग्रुप ऑफ़ इंडिजुअल्स होम यू कंपेयर यूर सेल्फ एंड मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोशिश करोगे कि मैं आप उन्हीं की तरह बनना चाहते हो मतलब वो ग्रुप जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं या हम जिनकी तरह बनना चाहते हों तो उस ग्रुप को हम वो हमारे हम ये कहें कि वो हमें इस तरह से असरअंदाज करते हैं कि उनका हम पे ये असर होता है कि हम फिर चाहते हैं कि हम इन्हीं की तरह बने तो उस ग्रुप को हम कंपेट जिनके साथ हम ख़ुद को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इसमें मोस्टली वो आते हैं सेलिब्रिटीज़ आते हैं हीरोज़ आते हैं जिनके काम को हम देख चाहते हैं कि काश हम भी इस तरह से इस तरह बनते तो ये थे डियर स्टूडेंट्स मैं इनको रिपीट करता हूँ तो ये थी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स जिसमें डिफरेंट साइड डिफरेंट आ, आ, इन सोशलॉजस्ट्स ने उनको डिफरेंट तरीके से बयान किया तो पहला था प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप दूसरा डब्ल्यू एच जी समर के मुताबिक इसका इसकी टाइप्स है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप और अगर हम द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहें तो उस तरह से उस हिसाब से इसके क्या है ऑन द बेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इसका फॉर्मल ग्रुप है एंड इनफॉर्मल ग्रुप है और रेफरेंस के हिसाब से इसके ग्रुप्स हैं नॉर्मेटिव ग्रुप एंड कंपरेटिव ग्रुप, ग्रुप तो आप लोगों को ये समझ लेना चाहिए इन जो हमने ये यह, यहाँ पर इसके टाइप्स बयान किए हैं तो ये किन के टाइप्स हैं सोशल ग्रुप के टाइप्स हैं न कि एग्रीट्स के एग्रीट्स को आप और उस पर आपको समझ जरूरी समझ लेना चाहिए कि एगरीगेट्स किसको कहते हैं और सोशल ग्रुप किस कहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही थैंक यू तब तक नए टाबे के साथ जब हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ़ मै अल्लाह ब्लेस यू